तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, तो दोस्तों आज हम जो है 584.03 में फेक और ओरिजिनल का डिफरेंस जानने वाले, जो कि 9 टाइप्स के डिफरेंस रहने वाले। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका जो वीडियो है दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि PA2FireRZ ऐसा कुछ नाम है, तो उनकी डिमांड थी कि ओरिजिनल वर्सेस जो डुप्लीकेट 584.03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, तो उसका डिफरेंस हम जानना है। तो दोस्तों आपको भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर 3584.03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, जिसमें से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 2 सेम है और एक अलग है। तो दोस्तों इसमें से जो है मैं ये बीच वाला जो है एक हटा लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मेनली जो है इन 2584.03 ऑडियो बोर्ड का जो है मैं आपको डिफरेंस बताने स्टार्ट करता हूँ। तो बात आती है दोस्तों सबसे पहले जो है इसकी थिकनेस की। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आपको थिकनेस यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको एक बार मैं कैमरे में सही से सेट कर कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है और इसका थिकनेस ज़्यादा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये डुप्लीकेट है तो ये ओरिजिनल है। तो दोस्तों अभी बात नंबर दो नंबर पॉइंट क्या आती है, तो दोस्तों इसके ऊपर जो यहाँ पर SMD पार्ट्स लगे हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है रजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों इसका जो रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं वो जो है साइज़ में तो यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं, जो कि ओरिजिनल बोर्ड का होता है। और जो डुप्लीकेट बोर्ड होता है उसका जो यहाँ पर जो कैपेसिटर और रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो उनका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा होता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसका 3 नंबर पॉइंट्स का। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर और रजिस्टर जो लगे होते हैं जो कि ओरिजिनल बोर्ड में, तो उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होती है। और जो डुप्लीकेट वाला बोर्ड है तो उसका जो यहाँ पर जो कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए तो उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन होती है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसका 4 नंबर पॉइंट्स का। तो देख सकते हैं दोस्तों जो ओरिजिनल वाला बोर्ड होता है तो दोस्तों उसके ऊपर जो है कुछ अलग लिखा हुआ आता है, यानी कि 584.03 लिखा हुआ आता है। और जो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट जो बोर्ड है यहाँ पर जो सिर्फ यहाँ पर EG8403 इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों जो ओरिजिनल वाला बोर्ड होता है उसके ऊपर जो IC नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से 584.03 यहाँ पर लिखा हुआ होता है। मैं आपको एक बार कैमरे के सामने इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ओरिजिनल बोर्ड में जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों अभी बात आती है 5 नंबर पॉइंट्स की, जो कि हमारा जो इसका कनेक्शन के जो लाइंस होते हैं दोस्तों इसके बारे में है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला जो है उसके जो यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर कनेक्शन के लगे हुए हैं उसका थिकनेस जो है ज़्यादा होता है, और जो डुप्लीकेट वाला होता है दोस्तों उसका जो लाइन है ये जो काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पर होता है। दोस्तों अभी बात आती है यहाँ इसका जो है 6 नंबर पॉइंट्स का, जो कि ओवर हीट प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों जिस जो डुप्लीकेट वाला बोर्ड होता है जहाँ पर 584.03 नहीं लिखा हुआ होता है, तो दोस्तों ये जो IC है ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है लोड डालने पर। और जो ओरिजिनल वाला बोर्ड होता है जिसके ऊपर 584.03 IC पर लिखा हुआ होता है वो बोर्ड जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए जो है इसका IC का लाइफ जो है ज़्यादा होता है और इसका जो लाइफ कम हो जाता है। और दोस्तों अभी बात करते हैं हम 7 नंबर पॉइंट्स का, जो कि नॉइज़ प्रॉब्लम का होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया जो डुप्लीकेट वाला जो IC लगा हुआ होता है तो वो जल्दी हीट होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है इसमें से थोड़ी सी नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाती है। और जो कि ओरिजिनल IC जहाँ पर लगी हुई है उस बोर्ड में जो है दोस्तों नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसका 8 नंबर पॉइंट्स का, जो कि यहाँ पर इसका जो है वॉइस लेवल के बारे में है। तो दोस्तों इसका जो ओरिजिनल वाला जो बोर्ड होता है तो उसका जो वॉइस क्वालिटी और वॉइस लेवल जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो डुप्लीकेट वाला IC होता है उसका जो है वॉइस क्वालिटी काफ़ी डाउन होता है और उसका आवाज़ भी जो है कम आ जाता है। और दोस्तों अभी हम बात 9 नंबर इसकी करते हैं, 9 नंबर पॉइंट्स का। तो दोस्तों ओवरऑल जो इसका लाइफ होता है तो देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया था जो IC जो है ओरिजिनल वाले में तो है जल्दी हीट नहीं होता है, तो इसके सारे जो पार्ट्स भी लगे हुए थे वो जो है वो अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है ओरिजिनल वाला जो बोर्ड होता है उसका लाइफ ज़्यादा होता है और जो डुप्लीकेट वाला बोर्ड होता है उसका लाइफ जो है कम हो जाता है।
तो दोस्तों इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है हमें 9 टाइप्स के डिफरेंट जो है हमें यहाँ पर इस प्रकार से 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर में बोर्ड में देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसके सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।